शांति। आज की तारीख है 9/1/16। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का गिर्त डालने। प्रश्न है आज का, शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा माना छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो और साथ के कारण ही बारात का गायन है। धारणा के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य नंबर 1 है, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। नंबर 2 है, मन मत व मनुष्य मत को छोड़ एक बाप की श्री मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतु प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान है सतगुरु बाबा का, सदा बिजी रहने की विधि, सदा स्वयं को व्यस्त रखने की विधि के द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। बाप दादा कहते हैं, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो, व्यस्त रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। ध्यान से सुनो, वो 4 बातें कौन सी जो हम अपने मन को उसमें व्यस्त रखें ताकि व्यर्थ संकल्प न चले। नंबर 1 है मिलन। किससे मिलन? हम आत्माओं का यानी हम रूहों का रूहानी बाप दादा से मिलन। तो मिलन यानी रूरिहान, बाप दादा से रूरिहान करें। नंबर 2 वर्णन। वर्णन करें तो कौन सा वर्णन करें? सर्विस का, सेवा का वर्णन करें, सेवा का प्लान बनाएं, गुणों का वर्णन करें, अच्छाइयों का वर्णन करें। नंबर 3 मगन। मगन होना माना बाबा की याद में व्यस्त करना अपने को, बाबा के गीत सुनना, बाबा से बातें करना, गीत सुनते सुनते स्वयं की स्थिति में बाबा की याद में मग्न हो जाना। फिर नंबर 4 है लगन। लगन बस यही लगी रहे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, बस मुझे घर जाना है, अब ये पुरानी दुनिया का विनाश हुआ कि हुआ, मुझे नई दुनिया में अपनी राजाई में राज्य जाकर के करना है, बस यही लगन लगी रहे। तो 4 बातें याद कर ले, मिलन, वर्णन, मगन और लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे डबल लाइट स्थिति का क्या अनुभव आज करेंगे। अब योग को ज्वाला रूप बनाओ। उस योग की अग्नि में, ज्वाला रूप की योग की अग्नि में अपने पुराने सब खाते भस्म कर उड़ती कला का अनुभव करो। इसके लिए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट फरिश्ता बनो। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो। अच्छा, ओम शांति।